महंगाई पर कितना हो हल्ला मचता है, सड़क से लेकर संसद तक। खासकर विपक्ष तो इस विषय पर सबसे ज्यादा मुखर नजर आता है। जब संसद का सत्र हो तो महंगाई को लेकर कई बार हंगामा दोनों सदनों में देखने को मिला है। सड़क पर भी महंगाई को लेकर संग्राम हम पहले कई दफा देख चुके हैं, लेकिन महंगाई को लेकर क्या वाकई हमारे माननीय सांसद बहुत गंभीर हैं? क्या वाकई इन्हें इससे फर्क पड़ता है कि जनता को बेहद जरूरी चीजों के लिए भी अधिक दाम क्यों चुकाने पड़ते हैं? और क्या वाकई हमारे सांसद और खासकर विपक्ष के नेता चाहते हैं कि महंगाई पर गंभीरता से बात हो? ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं, इसकी वजह सुनेंगे तो आप भी चौंकने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे पहले कि हम आपको पूरी बात बताएं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, इससे हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक जरूर कर लें। तो अब बात महंगाई और हमारे माननीय सांसदों के उस पर गंभीरता की। दरअसल 27 नवंबर को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी खाद्य नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसद की स्थायी समिति की एक बैठक थी। बैठक का विषय जरूरी चीजों के बढ़ते दाम, उसके कारण और प्रभाव को लेकर था। जाहिर है मुद्दा अहम था और ये जरूरी बैठक भी थी। इस समिति के 31 सदस्य हैं। ऐसी बैठकों के लिए कोरम पूरा करने के लिए कम से कम 10 सदस्यों की मौजूदगी जरूरी होती है, लेकिन आए केवल 9। जी हाँ, आज के दौर में जब जनता पर हर रोज महंगाई की नई मार पड़ रही है, इस विषय से संबंधित संसद की स्थायी समिति की बैठक में केवल 9 सांसदों ने आना उचित समझा। फिर क्या था, समिति के चेयरमैन और टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के पास कोई चारा नहीं बचा था और उन्हें मीटिंग को रद्द करना पड़ा। अब ये मीटिंग दिसंबर में हो सकती है। ये तो रही बात मीटिंग की, अब हम आपको बताते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के वे कौन से 9 सदस्य हैं जो इस बैठक में आए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नियमों के अनुसार इस समिति में 31 सदस्य होते हैं। इसमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। जो सांसद मौजूद थे वे हैं सुदीप बंदोपाध्याय, प्रतिमा भौमिक, खगेन मुर्मू, सप्तगिरी शंकर उलाका, राजमोहन उन्निथन, शांता छेत्री, रूपा गांगुली, राजमणि पटेल और शकलदीप राजभर। वैसे इस कमेटी के सदस्यों की बात करें तो इसमें भगवंत मान, फारूक अब्दुल्ला, मैरी कॉम, रूपा गांगुली जैसे चर्चित नाम भी शामिल हैं। गौरतलब है कि खाद्य नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति संसद की 24 अहम समितियों में से एक है। नियमों के मुताबिक लोकसभा से स्पीकर 21 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, ऐसे ही राज्यसभा से चेयरमैन 10 सदस्यों को नामांकित करते हैं। लोकसभा सदस्यों में से ही स्पीकर कमेटी के चेयरमैन को भी नियुक्त करते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इसे लाइक करें और शेयर करें।